नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी, जो कि बहुत इजीली और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम बेसन, 75 ग्राम चीनी, आधा कप घी, आधा चम्मच इलायची पाउडर और एक चुटकी ब्राउन फूड कलर, 7 से 8 बादाम और पिस्ता, इन्हें मैंने काट लिया है, और 3/4 ग्लास पानी। अब गैस पर एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें यह देसी घी डालेंगे। घी अच्छे से पिघल चुका है तो अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें ये बेसन डाल देंगे और अब इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। बेसन को भूनने में 15 से 20 मिनट लगेंगे तो इसे चलाते रहना है। जब बेसन अच्छे से भुनने लगेगा तो इसमें से घी अलग दिखने लगेगा इसके ऊपर। ये देखिए घी आने लग गया है बेसन के ऊपर, तो बस अब इसे 5 मिनट और भूनना है। बेसन अच्छे से भुन चुका है और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें डालने के लिए चाशनी की तैयारी करते हैं। गैस पे एक बर्तन रखेंगे और इसमें ये चीनी डालेंगे और ये 3/4 गिलास पानी डालेंगे। आप चम्मच से चीनी को पानी के अंदर मिला लेंगे और इसे तेज गैस पर उबलने देंगे। चाशनी को हमें सिर्फ 10 मिनट तक उबालना है। अब 10 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बार चेक कर लेंगे। हमें 2 तार की चाशनी चाहिए। चम्मच पे इसे लेकर ठंडा करेंगे और इसे एक बार चेक करेंगे। ये देखिए चाशनी में 2 तार बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट बन चुका है। अब भुने बेसन में चाशनी डालेंगे। अब गैस का फ्लेम लो रखकर इसे अच्छे से बेसन में मिलाएंगे। अब इसमें इलायची पाउडर और फूड कलर का मिक्सचर डालेंगे। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ इसे अच्छा कलर देने के लिए इसमें डाला है। बर्फी को जमाने के लिए ये बैटर तैयार है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब एक प्लेट लेंगे और इस पर देसी घी लगा लेंगे और ये बैटर प्लेट में डाल देंगे। अब इसे प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता और बादाम ऐसे डाल देंगे और बर्फी को थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये बैटर हल्का गर्म है तो हमें इसे इसी टाइम काटना है नाइफ से, तो हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। अब बर्फी को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये बेसन की बर्फी तैयार है, देख सकते हैं आप, ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।